क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम है मिस्टर इंडिया। इंडिया नहीं बल्कि एक आम और मामूली हिंदुस्तानी। क्या मिस्टर इंडिया की कास्टिंग शुरू हो रही है? क्या रणवीर सिंह इस पिक्चर में नजर आने वाले हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों 1990 में जब मिस्टर इंडिया रिलीज हुई थी तो उसके बाद से ही दर्शक इसके सेकेंड पार्ट की डिमांड करने लगे। जी हाँ, वेल फाइनली अब ऑडियंस का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि जल्द ही फिल्म के मेकर्स मिस्टर इंडिया 2 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 1990 में मिस्टर इंडिया रिलीज हुई थी और इस पिक्चर में अनिल कपूर और श्रीदेवी ने अहम किरदार निभाया था। साथ ही बोनी कपूर ने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया था और शेखर कपूर ने डायरेक्ट। मिस्टर इंडिया एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पिक्चर में विलेन का किरदार निभाया था अमरीश पुरी ने। वो इस फिल्म में मुकैम्बो के किरदार में दिखे थे, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर बना था ऑल ओवर इंडियन सिनेमा का। फिलहाल बोनी कपूर और शेखर कपूर मिस्टर इंडिया 2 के कास्ट की तलाश में बिजी चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं कि शायद मिस्टर इंडिया 2 में रणवीर सिंह को फाइनलाइज कर दिया गया है। जी हाँ, रणवीर सिंह इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नजर आ सकते हैं। साथ ही जानवी कपूर फीमेल लीड के तौर पर दिखेंगी। इतना ही नहीं, अपने करियर में पहली बार सलमान खान कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। मिस्टर इंडिया 2 में सलमान खान मुकैम्बो का रोल निभा सकते हैं, जो एक विलेन का कैरेक्टर होगा। अपनी जिंदगी में कभी भी सलमान खान ने कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। दूसरी तरफ बात करें अनिल कपूर की, तो वो भी इस पिक्चर में कुछ अहम रोल्स निभाते हुए दिख सकते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि कैसे वो अपने पावर्स को रणवीर सिंह को सौंप देते हैं। सलमान खान की बोनी कपूर के साथ ये तीसरी मूवी होगी। वो पहले भी बोनी कपूर के साथ काम कर चुके हैं वॉन्टेड और नो एंट्री जैसी फिल्मों में। वहीं फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इसकी बागडोर दी गई है AR रहमान को। दोस्तों मिस्टर इंडिया 2 का ओवरऑल बजट करीब 500 करोड़ का होने वाला है और इसकी पूरी शूटिंग 3D में की जाएगी। 2005 में अमरीश पुरी और 2018 में श्रीदेवी की मौत के बाद पूरे फिल्म के कास्ट को चेंज कर दिया गया है मिस्टर इंडिया 2 के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहाँ मिस्टर इंडिया के पार्ट 1 में हमें ये तमाम कलाकार नजर आए थे, तो अब मिस्टर इंडिया 2 में हमें कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मिस्टर इंडिया एक सुपर हीरो मूवी थी और इसका सेकेंड पार्ट भी इसी से इंस्पायर्ड होने वाला है। वेल प्रेजेंट सेंचुरी की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिलहाल बॉलीवुड में सुपर हीरो मूवी का एरा चल रहा है। बैक टू बैक कई सुपर हीरो फिल्में रिलीज होने वाली है आने वाले दिनों में, जिसमें द इमॉर्टल अश्वत्थामा, क्रिश 4 जैसी फिल्मों का नाम भी शामिल है।
जब मिस्टर इंडिया 2 की बात हो ही रही है तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं मिस्टर इंडिया के पार्ट 1 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं मिस्टर इंडिया के चैप्टर 1 को प्रोड्यूस किया था बोनी कपूर ने और डायरेक्ट किया था शेखर कपूर ने। दरअसल शेखर कपूर की फिल्म मासूम से बेहद इम्प्रेस हो गए थे बोनी कपूर और इसके बाद उन्होंने शेखर कपूर को बच्चों पर कुछ फिल्म बनाने को कहा, जिसके बाद मिस्टर इंडिया 2 की शूटिंग शुरू हुई। बोनी कपूर हमेशा से ही एक कॉमिक सुपर हीरो फैन रहे हैं और वो चाहते थे कि इस पर कोई फिल्म बनाई जाए, इसीलिए मिस्टर इंडिया बनाई गई। दोस्तों इस फिल्म के लिए श्रीदेवी और अनिल कपूर को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1987 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी मिस्टर इंडिया। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर थे सलमान खान के पिता सलीम खान। दोस्तों शुरुआती दिनों में मिस्टर इंडिया के कॉपीराइट पर भी कई सवाल उठे थे और उस दौरान कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी, लेकिन बाद में मामला ठंडा पड़ गया। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप मिस्टर इंडिया 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।